हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस वीडियो में हम एलियन एक्स की बात करने वाले हैं, तो एलियन एक्स को हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो को देखना जरूर एंड तक। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है कि बेन 10 एलियंस विद पोकेमॉन टाइप। सो दोस्तों, ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। अभी तक अगर आपने पहले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद भी आप देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। दोस्तों, हमारा सबसे पहला एलियन होगा वाटर रेजर, तो इसके नाम में ही वाटर है, इसलिए ये होगा प्योरली वाटर टाइप। अब हमारा अगला एलियन है आर्मोट्रेलो, जो कि ग्राउंड एंड स्टील टाइप होगा। तो चलते हैं अपने अगले एलियन की तरफ, जो कि है फास्ट ट्रैक। वो भी हमारे एक्सलरेट की तरह एक नॉर्मल टाइप एलियन है, लेकिन मैं इसको ड्रैगन टाइप नहीं रखूँगा, क्योंकि ड्रैगन से या फिर किसी रेप्टाइल से इंस्पायर्ड नहीं है। चलते हैं हमारे अगले एलियन की तरफ। हमारा अगला एलियन होने वाला है सॉफ्ट स्कॉच, जो भी होने वाला है अपना इलेक्ट्रिक टाइप, क्योंकि आपको पता है इसके पास इलेक्ट्रिक पावर्स हैं, तो इसके लिए। और ये क्या है, फाइटिंग कॉम्बैट भी अच्छा करता है, इसलिए फाइटिंग टाइप भी। दोस्तों, अपना अगला एलियन है ईटर। तो जो हमारा ईटर होगा वो एक बीटल से इंस्पायर्ड है, इसलिए ये होगा एक बग एंड स्टील टाइप, क्योंकि इसकी बॉडी स्टील से बनी हुई है। तो अब ये बग और स्टील टाइप हो चुका है। हमारा अगला एलियन है क्लॉक बग, तो इसकी बॉडी भी मेटल से बनी हुई है, इसलिए स्टील टाइप। एंड इसके पास टाइम की पावर है, और टाइम से कोई ऐसे स्पेशल टाइप कोई है नहीं, इसलिए हम इसे स्टील टाइप ही रखना प्रेफर करेंगे। जैसे कि हमारा जो डियाल्गा था, उसके पास भी टाइम की पावर है। हमारा जो डियाल्गा है, उसको भी टाइम की पावर के लिए कोई स्पेशल टाइप नहीं दिया गया है, इसलिए हम क्लॉक वर्क को भी नहीं देंगे, वो सिर्फ होगा एक प्योरली स्टील टाइप। तो हमारा अगला एलियन है टेरा स्पिन, जो कि उड़ सकता है और उसके पास विंड की पावर है, इसलिए हम उसे एक फ्लाइंग टाइप एलियन बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा अगला है कमेलियन, वो तो एक प्योरली अपना ड्रैगन टाइप एलियन होना चाहिए। तो चलते हैं हमारे अगले एलियन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला एलियन है ज्यूरिक, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट एलियन है और शरारती भी है, जो कि एक ग्रिमलिंग नाम के एक मिथिकल क्रिएचर से इंस्पायर है। तो हम इसे बोलेंगे एक फेरी टाइप एलियन। चलते हैं हम अपने अगले एलियन की तरफ, जो कि है दोस्तों हमारा जो अगले एलियन है एमसीरियन, वो एक वाटर टाइप एलियन है और इलेक्ट्रिक टाइप एलियन है। इलेक्ट्रिक उसके पास पावर से इलेक्ट्रिक टाइप भी, और वाटर में सर्वाइव भी कर सकता है। अगला एलियन है हमारे पास एनआरजी, जो कि हमारा फायर एंड स्टील टाइप एलियन है। स्टील टाइप इसलिए क्योंकि उसके पास एक आर्मर भी रहता है स्टील। तो दोस्तों, हमारा अल्टीमेट एलियन हो चुका है पूरा खत्म। हम अगली वीडियो में आपके लिए अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो लाएंगे ओमनीवर्स के एलियंस। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। लेकिन बिना आपको क्या लगता है, हम भूल गए एलियन एक्स को? नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं एलियन एक्स के बारे में। दोस्तों, एलियन एक्स जो है हमारा, वो एक सेलेस्टियल सेपियन है, जो कि हमारे बेन 10 यूनिवर्स का सबसे पावरफुल क्रिएचर माना जाता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आर्शियस है, लोग उसे गॉड बोलते हैं पोकेमॉन यूनिवर्स का, जो कि एक नॉर्मल टाइप है, इसलिए मैं एलियन एक्स को भी एक नॉर्मल टाइप एलियन रखना चाहूँगा, क्योंकि ये भी बेन 10 यूनिवर्स का गॉड ही है। तो चलते हैं इसके अगले टाइप की तरफ, जो कि हमारा साइकिक टाइप, क्योंकि ये अपनी थॉट से ही पूरे जो भी अपना यूनिवर्स है उसमें सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय वगैरह कर सकता है और रिक्रिएट भी कर सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।